कोताचेरों से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुआ है, जहां भंडार पदर से घटनास्थल की पहाड़ी दूरी से 5 से 6 किलोमीटर पर है। भंडार पदार कोरास गुड़ा के मध्य मुठभेड़ की मुंगुकल पहाड़ी इलाकों में जहां अनमोल टीवी नेटवर्क की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और देखा कि जहां पर मुठभेड़ हुई है वहां पर दोनों ओर खाई है। जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा और उनको मार गिराया। घटनास्थल पर एक जिंदा यूजी बेल और हाथ ग्रेनाइड मौजूद है और पेड़ों पर सैकड़ों राउंड फायरिंग के निशान उस घटनास्थल पर मौजूद है। वहां पर 7.62 की गोलियों की कई सारी खाली सेल मौजूद है और वहां और वह घटना कितना भयावह होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। और वही घटनास्थल पर जियो की नेटवर्क भी है। मारे गए नक्सलियों में सभी पर 40 लाख रुपए का इनाम था। सुकमा से पूरन साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल टीवी नेटवर्क, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हम मौजूद हैं सुकमा जिले के बंडर पदर इलाके में। कल पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां पे 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली थी। इस वक्त हम सुकमा जिले के बंडर पदर की पहाड़ियों में मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर। कल यहां पे तड़ाके की मुठभेड़ हुई थी, इसके निशान इन पेड़ों पर देखा जा सकता है। नीचे से लेके ऊपर तक गोलियों के निशान हैं और यहां पे उन मारे गए नक्सलियों के खून देख सकते हैं आप, यहाँ वहाँ पे पड़े हैं। और यहाँ पे हैंड ग्रेनाइड और कारतूस के सेल मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप कारतूस के सेल को। और यहाँ पे जिंदा हैंड ग्रेनाइड मौजूद है, जो कि भविष्य में कुछ भी घटना घट सकती है।